देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक तो हमार बेटा जे बा वो पहले से परेशान बा, वो पता ना बिन बतेले कहाँ चल गयी। हमार ए दुलरिया का बैठल बैठल अखबार पढ़ रहल बाड़ू, फोन लगावा ओकरा के। आपके पता बा आपके कॉन्ट्रैक्ट के? सीधा बीडीओ के दफ्तर में घुस के ओकरा सामने तान देली, लगले थर थर आए, खट से पेपर उठा के साइन कर दे लिया, दे दे ले, बोले लीजिए। शादी से पहले भी ये सब काम में काफी एक्टिव रहल हुई बना। हरिनगर के वीडियो बोल रहल बानी, वो रागनी सिंह जी के एगो वीडियो रहे हमनी के पास, वही के बारे में बात करके रहे आपसे। रमेश पांडे लगातार हमरा धमकी पे धमकी दिए जा रहल बा। ओकरा से पहले हम चाहते नहीं कि आप जितना जल्दी हो सके आई और हमसे पेपर और फुटेज ले जाए। हमके अनुराग जी और रागनी के रिश्ता बचावे खातिर वीडियो से मिलके सारा सबूत लेवे के ही होगी। हम अभी आवतनी। आपके काम हो गए। जल्दी से बता कि वीडियो कहाँ बा, आज ओकर भी हिसाब किताब हम यही करते, बतावा। पुलिस के सिलेंडर कर देले बा, ऐजे सारे बात के पता चलल, और पराग और नारद भी ऐजे आवता रहे। चल यहाँ से। ए छोड़म के, छोड़। ए अनुराग सिंह, बहुत बड़ा गलती कर रहा, बड़ा तू हमरा कैसे करके, देख ले भाम, देख ले भाम। ए बाबू, पहले अपन पापा के तो देख लो, फिर बाद में उन लोगों के देख ले। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड करे और एगो लड़की के धोखा से बोला के ओकरा सा जोर जबरदस्ती करे के जुर्म में हम तोरा के अरेस्ट करता नहीं। ले चला एकरा। मैडम, आपके थाने आए के हो कि एफआईआर करे खातिर? केकरा घूरत आड़े? सब ठीक बा, अब हमने के चले के चाहे। एकरा ना तू अपना साथ ले जा, का बाकी अब एकरा हमरा कोनो जरूरत नहीं खे। लड़का तो पता ना बिना बतौले कहाँ चल जाला, हम तो परेशान हो गई। हम तो इफ वो एहो तो हो सकेला कि वो घरे आवे की चाहत हो कि रास्ता भुला गई हो कि एकदम गैर जिम्मेदार हो गई बड़न ये लोग। अरे हद कर देले बड़न भाई, अरे जाए के चल जाते, हमसे पूछ के जाते ना, एकदम बच्चा के जैसे सबके सब मुंह उठेले और चल देलन। अनुराग के कुछ याद ना रहेला, कब दोस्त दुश्मन बन जाए ओकर पता ना चलेला। अरे ये है चिंता तो हमरा के सता रहल बा, अब पता ना अब कहा। हुआ आ गए तोहर तीनों मूर्ति। का बा अनुरागी साहब, अरे बिना बताए चल गई लो। देखा भौजी कितना परेशान हो रहा बाड़ी। सृष्टि जी आप कहां चल गए लली, हम आपके कब से फोन लगावत रहनी, आपके फोन ही ना लगत रहे। मतलब आपके हमके कितना घबराहट होत रहे। विश्व जी आप जरा जरा से बात पे परेशान हो जावेले, देखी ना हम बिल्कुल ठीक बानी और बाकी लोग भी अच्छा बाड़े। आ देवर जी, इनका के हमरा परेशानी से का लेवे देवे के बा। अरे मुसीबत तो हम ही मोल लेने वानी ना अपने आप पर। बेटा तू हमरा के बता के ना जा सकेला का, अगर बता के जाता तो कुछ घट जाला का। अब बता बा ये तीन घंटा जेबा हमरा खातिर कितना मुश्किल से निकलल बा,
लेकिन तो के हमार का चिंता। ऐसा कुछ नहीं के माँ, आपके सब कुछ जाने के पूरा हक बा। और बेहतर हुई कि आप खुद अगर आपन बहू से पूछें कि हम कहाँ जाने गए रहनी तो अच्छा लगी कर अग्नि, बताओ ना माँ के हम ऐसा कहाँ जाने गए रहनी। बोला रागिनी बताओ माँ के हम कहाँ जाने गए रहनी। अनुराग जी आप इतना सस्पेंस का है क्रिएट करत बानी, अरे सबके बताई ना आज के खुशखबरी। चलिए हम बता देत बानी, सासू माँ वो रमेश रहे ना जे काम रोके खाते नोटिस भेजले रहे, पुलिस उकरा के फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लेले बाड़े। और वो कॉन्ट्रैक्ट जे अनुराग जी के सपना रहे उकरा के अब कोनो खतरा ना बा। एता बहुते खुशी के बात बा। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच हमार हेल्प करे खातिर। लेकिन तू तनी लेट हो चुकल बाड़ू, काहे के हमार जो सपना बा वो तो ऑलरेडी केहू पूरा कर चुकल रहे। और उस सपना के बारे में हम एगो ऐसा बात जान ले ले रानी जौन हम कभी सपना में भी ना सोच सकत रहे। ना मिस्टर जी, आज आप कोनो ऐसन बात ना जान ले ले बानी। इजे आज आप देख ले बानी ना ये सब आपके पहले से पता रहे, बस थोड़ा दिन खातिर भूल गए रहली। आपके ये बात के दुख बाना की आप पूरा बात ना जान पैनी तो ठीक बा, आज आपके ये दर्द भी हम दूर कर देता नी। ना रागनी, ना सृष्टि, तू बहुत रोक चुकल बाड़ू हमरा के, आज हम ना रुकब, आज हम सब साफ साफ कह दे। मिस्टर जी आज जे आप हमार रूप देख ले रहनी ना, हाथ में बंदूक थामल गुंडागर्दी करत यह रागिनी सिंह के असली रूप बा। और ई बात यहाँ पे सब जाने ले, आप भी याददाश्त चल गल रहे ना आपके, ऐसे आपकी याद न रहे। हमार भैया से आप यह पूछे गल रहनी ना कि हमनी के शादी कैसे भयल रहे, कौन हालात में भयल रहे, हम बतावत आनी आपके सब सच बताई, हम जबरदस्ती आपसे शादी कैले रहनी। घर के बहू नहीं खींचा ना, तू ई घर के बहू ना बोल। रागिनी हमनी दोनों के शादी कैसे भेल है? फोन लगावा वो कॉन्ट्रैक्टर के। ई का करल बनी आप? ओकरा बोला ओकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गेल बा। यह सच्चाई बा हमनी के रिश्ता के।
हमार जिंदगी के और हमनी दोनों के। इस सच्चाई तो आप जान ले बानी, लेकिन एगो सच्चाई और बा जे यहाँ पे केहू के ना पता। वो हम आपके बताए, लेकिन ओकरा खातिर ना हमरा के थोड़ा सा टाइम चाहिए। लड़की के बड़ तू भाई? हम रागिनी बानी, रागिनी अनुराग सिंह। अरे हाँ, अब लग तो ओकरे जैसन रहल बाड़ू, लेकिन लेकिन ये मुंह का है लटकायल बैठल बाड़ू पपीता के जैसन। हाँ, और का नाम बोले तड़ू अनुराग सिंह? तो वह अनुराग सिंह बड़ा ना जिता रखे तेरा कुछ ना मानेला। हाँ, ये बात अलग है कि तू ओकरा पीछे पड़ल रहेलू। तो का करी हम? अरे करे के काबा? अरे जे नाम अपन नाम के साथ जोड़ रहल बाड़ू ना ओकरा निकाल फेंका। अरे भूल जा हर उ चीज के जे तेरा ना अनुराग से बांधेला, समझ लू। एकर अलावा ना तेरा पास कुछ करे खातिर अभी बचल नहीं खे। नीचे सच बोल के परिणाम तो तू देखिए चुकल बाड़ू, देख चुकल बाड़ू ना। हाँ, सच अभी तो हम पूरा सच बोलने ही कहा। हम तो सिर्फ इतना ही सच बोलनी जितना जितना मिस्टर जी सुने चाहत रहे। सच तो ये बाकी कि हम इका बकरी के जैसन में मियात आड़ू। हाँ, अरे लाउड स्पीकर में बतावा। अब हम हो तो जानी कि ऐसा कौन सा सच बा जे तू सबसे छुपाई ले बैठल बाड़ू, बताओ जरा। सच तो ई बा कि हम मिस्टर जी से ना अपन जान से भी ज्यादा प्यार करे ले। उनकर सीमा हमरा कुछ भी अच्छा ना लागेला। तेरी की? अरे का कर बैठल बाड़ू तू? अरे का एकदम बकलोल बाड़ू, दिमाग से पगलेट बाड़ू को तू? का करत बाड़ू तू? हम का कर सके नहीं। हाँ, अरे अभी तो बताइले रही का करे के बा। अरे जे तो हर प्रेम के सम्मान ना करे लेना ससुर ओकरा छोड़ दा। ए में भलाए बा तो हर बता रहल बानी हम रागिनी अनुराग सिंह। और जो ही मन जे हमार उनकर रंग में रंगल बा, ओकर का करी हम? का करी? तू ऐसन काहे कैलू रागिनी? अरे सृष्टि, भले मिस्टर जी के यादाश्त वापस ना आयल होके, लेकिन लेकिन वो सब सच जाने लायक ना हो चुकल बाड़े। तू देख लेना रलू मिस्टर जी के कितना बेचैनी होत रहे सब सच जाने खातिर। ऐसे हम उनका सब सच बता देनी। तब आगे का हुई? हमरा ना मालूम आगे का होके वाला और कल का होके वाला बा इतक के होके ना पता ना सृष्टि। तू जाके आराम करा। आज बहुत बड़ा दुर्घटना घटे वाला रहे जे जे भगवान के दया से टल गए। तू आराम करबू ना तो तेरा बहुत अच्छा लागी और हम ठीक बन। अरे जा सृष्टि जा। Thank you.
सृष्टि जी बहुत परेशान लगत रही। वहां का भेल रहे सृष्टि जी, आप हमके सच सच बताई। हम बिल्कुल ठीक बाने विश्वजी, नीचे बतैले तरह नहीं आपके। ना सृष्टि जी, वहां ना आप जरूर कोनो मुसीबत में रहली, ये खातिर ना ये खातिर हमके घबराहट होत रहे। आप सही कहत बानी विश्वजी, अबू रमेश के गिरफ्तार कल इतना आसान थोड़ी रहे। तो हमने सब ओकरा से बहुत जोरदार फाइटिंग करनी, जैसन फिल्म में होखेला बिल्कुल वैसे, और अंत में जीत हमने के भइल। सृष्टि जी, आज तक आप हमसे बहुत बात छिपेले बाड़ी, लेकिन झूठ कबो ना बोलने पाड़ी। आज भी छुपा लेती, झूठ काहे बोल ली हमरे से। काबिल सृष्टि जी, बोली ना। विश्व जी, हमरा के माफ कर दी, हम इतना बहादुर ना बानी, हम जे कुछ भी वहां भेल रहे हम ओकरा से डर गेल रहनी। अगर अगर वहां पे अनुराग जी और रागनी ना पहुंचते तो अनुराग बेटा, कुछ बोल काहे न रहल बा, काहे चुपचाप खड़ा बड़ा। हाँ अनुराग बबुआ, ई पानी पी लिया आपके नीमन लगे हैं। हम क्या अभी कुछ होना चाहिए प्लीज, कुछ देर खातिर हम क्या अकेला छोड़ दी।
मिस्टर जी हम कले रनी ना कि हमरा आपके एगो और बात बतावे के बा। जब आप आईसीयू में रहनी ना तो हम सासु मैया से एगो वादा कैले रहनी। सासु मैया हम ना आपसे प्रॉमिस करता नहीं कि जब जब मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाई है ना तो हम ये घर छोड़ के चल जाए। अब बस ये वादा के निभावे के टाइम आ गए बा। हम जा रहे बानी। बहुरिया चिट्ठी वट्ठी लिखिया और हो सके तो फोनो करिया आई भाभी भाभी काहे जाता नहीं भाभी
हमरे बेटा जी के बिना दामाद के कहाँ भेज रहल बाड़ी समधन जी? अब वो खुद ही घर छोड़ के जाए के निर्णय ले ले बाड़ी, तब हमें हम का कर सके नी। और वो निर्णय काहे ले ले, ये भी बताए दी हमरा के। विकराल जी, देखिए विकराल जी, हमारी मानल बा की ये बात पति और पत्नी के बीच के बा, इसमें हम या फिर आप का कर सके नहीं। और वैसे भी समधी जी, हमरा रोके से ये रुक जाती का? ना अनुराग बच्चा बा ना रागिनी, अनुराग उकरा जाए के दे रहल बा औ जा रहल बानी, एकरा में हम भला का कर सके नी? ये लोग सही कह रहल बाड़े बाबूजी, अब चली ही यहाँ से, वो हम ही यहाँ ना रोके चाहता नहीं, चली। बेटा जी, जब इतना दिन निकाल लेले बानी ना, ता 2 मिनट और रुकी जाएं। ब्रिजभान सिंह, घर के बहु दहलीज पे अगर सामान लेके खड़ी होके ना, ताई मामला पति पत्नी के नहीं खे रही जाले। ई जिम्मेदारी पूरा परिवार के बा कि ओकरा के रोके के कोशिश करें। समधन जी, हमार बेटा जी घर छोड़े के जा रहल बाड़ी और दामाद बाबू ओकरा के जाय दे रहल बाड़ी। एकर मतलब बा कि दामाद जी के सच्चाई नहीं खे पता बा, कौनो बात ना बा। आज हम दामाद जी के सच्चाई बताए। ना बाबूजी, आपके कुछ भी बतावे की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही सब कुछ बता चुकल बानी। अब चली नहीं यहां से। बेटा जी, बाप बानी हम आपके, और हम अच्छा तरह से जाने ले कि आप कितना बात बताइले बाड़ी और कितना बात आप यहाँ से अपन दिल में छुपा के ले जा रहल बानी। पहले आप ऐसा ना रहली, छुपावे वाला बात भी ना मुंह पे कहीं मारत रहलू, लेकिन आप बदल चुकल बाड़ू। हम आपके अपन बात बतावे से पहले ना आपसे एगो सवाल पूछे चाहत बानी, शायद उस सवाल के जवाब आपके खुद से पूछे के चाहत रहे। हमके ही बताई कि जौना लड़की खातिर आप अपन जान जोखिम में डाल के गोली खेले रहले, वो लड़की के आज आप घर से काहे निकाल रहल बाड़े? इन लोगन के वजह से? समधन जी के खातिर? मिस्टर जी, बैठी, आपके डॉक्टर आराम करे खातिर कर ले बड़े ना। बाबूजी बस करी ना, इनका तबियत खराब हो जाए तो अब ठीक बनी ना। देखला, आपके थोड़ा से तकलीफ का भइल कि हमरे बेटा जी तड़प उठती, और आप लोग ही कह रहल बाड़े कि अपने मन से घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये रिश्ता हमार बेटा जी की वजह से ना टूट रहल बा। अरे रिश्ता जब हमरे बेटा जी के वजह से बनल ही रहल था, तो टूट कैसे सकेले? ये रिश्ता था हमरे और ना, इता हमरे और समधन जी की वजह से बनल रहे। हम सही कह रहल बानी ना समधन जी? ये 10 लाख का शगुन के रूप में रिश्ता के गांठ के मजबूत बनावे खातिर। मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाइए ना, तो हम खुद ही यहां से चल जाए। मिस्टर जी आप बाबूजी के बात के मत सुनिए, वो सब हमरा खातिर बोला था। आप
आपके और इनकर वजह से रिश्ता फैल रहे, मतलब? दामाद बाबू, आपके और रागिनी के गठबंधन ना हमरे और समधन जी के साथ गाठ से शुरू भैल रहे, और एमे ब्रिजभान सिंह बराबर के भागीदार रहले। आप तो पहले ही रिश्ता से इनकार कर चुकल रहले, लेकिन समधन जी घर आए लक्ष्मी के निरादर ना कही पाईनी और ये रिश्ता पक्का हो गए। और हमसे पैसा लेवे के बाद जब हमके पता चलल कि बारात कहीं और जा रहल बा, ता हमरे पास और कोनो दूसर चारा ना रहल, हम वो बारात के अगवा कर अपने मंडप में बैठाए देली, और ये सब करे में ना हमरा के समधन जी के बराबर योगदान मिलल। हा ना समधन जी? दामाद बाबू, जौन गोली आपके छू के निकलल रहे ना, लेकिन हमरे बेटा जी के सीना के पार भैल रहे, और ओकर दर्द हम महसूस कैले रहली। अरे हम ता वो आदमी बाड़ी की खुद के दर्द भी महसूस ना कई सकीले। आपके सेवा करत करत हमार बेटा जी इतना बदल गई नी कि आपका हम भी एकरा के पहचान ना पा रहल बाड़ी। वरना हमार बेटा जी वो रहल की बिना हमरे यहाँ आए आपके पूरा नस्ल के परेड कराई सकेली, लेकिन वो ऐसा ना कैलेस, काहे कि वो आपसे प्यार करेली, आपके परिवार से प्यार करेली, और आपके शान बचावे खातिर ई हमरे सामने जुबान तक ना खोलेलेस। और ऐसा बहू के आप सब लोग घर के बाहर कैसे निकाल सकेले? अरे हमार बेटा जी ना गुरूर बाड़ी हमार सर के ताज बाड़ी और हमेशा रही, हम तो ये होकर अपमान करें वाला की भोले बाबा से भी बैर ले सकीले, लेकिन हम आज कुछ ना कर पा रहल बानी। बस करी बाबूजी। बस करी बाबूजी, अब बस करी। बाबूजी के सर के ताज, लेकिन यहाँ ठोकर में पड़े था नहीं, हमरा अपना साथ ले चली बाबूजी। अब हमरा अपना साथ लेके चल अपना बाबूजी, चली बाबूजी, थक गेल बानी अब। बेटा जी, आप हमेशा हमरा खातिर हमार गुरूर रही हैं, और जवन घर में आपके गुरूर के ठेस पहुंचावल जाए वो परिवार के बीच हम आपके कतई ना रहें दे। चली हमरे साथ। रुका बहुरिया, अपन दादी के बात ना मनबू। बहुरिया, तहरा कहीं जाए के जरूरत नहीं खे, ई घर तो हार बा। और देखिया, जौन दिन हमारा अनुराग ठीक हो जाई, वो बिल्कुल पहले जैसन हो जाई। रुक जा बहुरिया, ई घर के तोहार बहुत जरूरत बा। भाभी ना, हम आपके कहूं ना जाए दे ना भाभी, हम ना आटा, हम अपन भाभी के कहूं ना जाए दे। भैया के ना पता बा कि आप हमार जान बचावे खातिर अपन जान के दाव पे लगा दे ले रही। सबके सब पता बा देवर जी, अब हमरा के जाए दे ना, हम आपके ना जाए दे। अगर आप चल गए ली तो हमार हिम्मत के बढ़ाई, देवर जी के बुलाई ना भाभी, हम ना जाए दे बाप के। रुका बहुरिया, अपन दादी के बात ना मनबू। बहुरिया, तहरा कहीं जाए के जरूरत नहीं खे, ई घर तो हार बा। और देखिया, जौन दिन हमारा अनुराग ठीक हो जाई, वो बिल्कुल पहले जैसन हो जाई।
रुक जा बहुरिया, ई घर के तोहार बहुत जरूरत बा। भाभी ना, हम आपके कहूं ना जाए दे ना भाभी, हम ना आटा, हम अपन भाभी के कहूं ना जाए दे। भैया के ना पता बा कि आप हमार जान बचावे खातिर अपन जान के दाव पे लगा देले रहली। सबके सब पता बा देवर जी, अब हमरा के जाए दे ना, हम आपके ना जाए दे। अगर आप चल गईली तो हमार हिम्मत के बढ़ाई, देवर जी के बुलाई ना भाभी, हम ना जाए दे बाप के। हम तहार डिसीजन के कदर करे ली, लेकिन तू हम दोनों के काम ऐसे अधूरा छोड़ के कैसे जा सकेलू? अरे अभी तो सब कुछ शुरू भइल रहे और तू अब ये जात बाड़ो। रागनी, हम तहार बाबूजी के तौर तरीका की इज्जत ना करे ली, लेकिन एक बात जाने ली कि वो आदमी बाड़े जी अपने पे आ जाए तो आज ही चौखट से एक घर के हर एक मेंबर के बाहर जाए के पड़ी और तू अकेली घर के अंदर रहा। लेकिन आज ही सिर्फ लरजती से आवाज में पूछत बाड़े कि हमार बेटी के घर से बाहर काहे निकालत बाड़े। रागनी, दादी जी के दिहल कंगन खातिर ना सही, लेकिन अपन बाबूजी के पगड़ी खाते रुक जा। सृष्टि, तू दुखी मत होगा, ये जे सब हो रहल बाई ये अचानक से थोड़ी हो रहल बा। जे वादा बनाई हम सासू मैया से पहले ही कर चुकल बानी। चली बाबूजी, एक मिनट बाबूजी, मत जाना रागिनी, आई नीड यू। काहे रुक जाए मिस्टर जी, का करे खातिर रुक जाए? आप बहुत पढ़ल लिखल बानी, आपके और हमार मेल नहीं के, फिर काहे खातिर रुकी? आज हमके केहू के बात से कोनो मतलब नहीं खे, ना ही अपन माँ के बात से और ना ही तहार बाबूजी के। काहे के अभी अभी हमके एक बात तो समझ में आ गेल बा, तू जाने लू कि याददाश्त जाए के ताल्लुक दिमाग से होखेला और हमार याददाश्त जाए के बाद भी हमरा जबान पे तहार नाम रहे। एकर मतलब हमार रिश्ता तहरा से दिमाग के ना, हमार रिश्ता तहरा से दिल के बारा के नहीं। हम ना जाने ली के हमार याददाश्त कब वापस आई, कब वो आई कि ना आई, लेकिन तू तब बाड़ू ना साथ में, हमके तू याद बाड़ू बस इतना काफी बाई जिंदगी बितावे खातिर। तोरा हमके एगो आखिरी मौका देवे के पड़ी राखनी, अपन मिस्टर जी खातिर रुकबू ना यहाँ पे। मिस्टर जी, पहले भी बहुत बार ना हमार सामान दरवाजा तक आ चुकल बा, लेकिन जिंदगी में पहला बार हम अपन मन से यहाँ से जाए के निर्णय ले ले रही, और जिंदगी में पहला बार ये हमरा से कुछ मांग ले पाड़े। हमरा पता बा इनकर याददाश्त आवे के बाद का हुई, लेकिन फिर भी हम इनकर पहला मांग नजरअंदाज ना कर सके नी। बाबूजी, आप चल जाएं। बेटा जी,
अगर ये आपके ठीक लागत बता यह सही। आपके निर्णय बाबूजी के सर माथे पे। आपने आपके कब्बू अकेले मत समझिया। आज जे भी भइल हमार साथ लेकिन हमके ई बात के खुशी बा कि हमार मेहनत रंग लाई और अनुराग जी और रागनी के रिश्ता टूटे से बच गई।